अशोक साहब, सबसे पहले मैं आप सभी का थैंक यू कहना चाहूंगा। आप अपना कीमती समय यहाँ लेकर आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। और सुना था मैंने दिल वाले भी दिल्ली होते हैं, देख भी रहा इतनी धूप में आप लोग बैठे कब से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि मेरा नाम है हर्षुल, मेरे नाम में है शुभ, लेकिन मेरी जिंदगी की शुरुआत थी वो शुभ के साथ नहीं हुई। मैंने स्टॉक मार्केट में अपना काम चालू किया 2008 में। एक्चुअली मैं 10th मैरिड हूँ, 12th मैरिड हूँ, लेकिन मैं इंजीनियरिंग में ड्रॉप आउट हो गया। मैं अपने आप को प्राउड इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं पॉजिटिव अप्रोच रखता हूँ। फिर मुझे किसी ने बताया कि स्टॉक मार्केट काफी अच्छा काम है और मैं स्टॉक मार्केट में आ गया। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में निवेश कर चुके हैं या कर रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? आप करते हैं, कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस? I have actually burned my fingers, 35 lakhs, 2011, okay. When I bought SBI at 3600, okay. And I sold at 2100. Okay. Now I bought Infosys, okay. It's gone 200 rupees down. Okay. So I'm sitting here better instead of buying this stuff. Okay, उनका नेगेटिव, ये जो एक्सपीरियंस है इनका नेगेटिव था, वो सर आपका? मैंने अभी स्टार्टिंग ही किया है, पर मेरे को कहीं से दिख नहीं रहा, जो माइंडसेट लेके आया था कहीं नहीं, मेरे ग्राफ नीचे ही जा रहे हैं। तो ये देखिए, सबका जो ये माइंडसेट होता है, जब मैं 18 इयर्स का था तब मैं स्टॉक मार्केट में आ गया और मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा ही था। मैंने अपने मॉम डैड से पैसे लिए, मार्केट में लगाए और पूरे पैसे गवा दिए। फिर मुझे लगा स्टॉक मार्केट मेरे नसीब में नहीं है, मैंने स्टॉक मार्केट छोड़ दिया और फिर वापस बैंक पे थोड़ा हमारी सिचुएशन आ गई और वो मैंने टाइम बहुत खराब थे। उसके बाद 2014 में मैंने फिर शुरू किया और फिर धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को समझा कि मार्केट कैसे चलता है और मैंने खुद ही सीखा कि जब आप लाइफ में फेल हो जाते हो, जब आप 10th मेरिट हो, 12th मेरिट हो, तो जो लोग ऑलरेडी फेल हो रहे हैं उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है फेलियर को एक्सेप्ट करना, लेकिन जो लाइफ में अच्छा कर चुके हैं और बाद में फेल हो गए तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मुझे लगा मुझे स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहिए, सीखना चाहिए। और आपके दिल्ली में ही संदीप भाई छोड़िए, तो उनके मैंने मोटिवेशनल वीडियोज देखे और उन्होंने बताया था कि यूट्यूब पे आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो जब मैं थोड़ा सक्सेसफुल हुआ मार्केट में तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसमें 1.5 लाख फॉलोअर्स एड हुए। 2 साल पहले मैंने यूट्यूब पर भी इतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन जब मैं लाइफ में अच्छा करने लग गया 2019-2020 में, तो मैंने सोचा क्यों ना जो मेरी एज के, जब मैं 18 साल में मैंने शुरू किया और नुकसान किया, तो मैं यंग ऑडियंस को एम्पावर करूँ। क्योंकि यंग ऑडियंस जो होती है 18-20 साल की, जो टेंडर एज होती है, यहाँ पे लोगों को इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये पता नहीं होता है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपना काम चालू किया और इंस्टाग्राम पे हम ग्रो कर ही रहे डे बाय डे और फिर बाकी पार्टनर्स भी जुड़ते गए और हम लोग अभी अपना इवेंट हर जगह कर रहे हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको एम्पावर कर सकूँ, क्योंकि ये जो एज है इन्वेस्ट ना करना, पैसा लेके हम सब लोग कमा रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, लेकिन हम पैसा लगाएगा कोई प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, कोई गोल्ड में लगा रहे हैं, हाँ लगाएंगे आप बैंक्स में लगा रहे हैं तो बैंक्स डूब रहे हैं आज। आप देखिए यस बैंक में काफी लोग परेशान हैं, शेयर्स में लगा रहे हैं, लेकिन लोगों को अगर राइट नॉलेज मिले कि कहाँ पैसा लगाए, तो उसके लिए मैंने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जो AI बेस्ड है, जो प्रेडिक्ट करता है कि स्टॉक मार्केट कहाँ जा सकता है। इसके मैं अपने बहुत सारी रील्स बनाता हूँ जो बहुत सारी रील्स वायरल हुई है। जैसे आपको ITC शेयर बताऊँ, किसी को ITC, तो ITC मैंने 6 महीने पहले कहा था कि ITC 3 महीने में डबल हो जाएगा और लोग माने ही नहीं कि भैया ये स्टॉक तो 12 साल में हिला ही नहीं, लेकिन जब ITC आज 200 का 280 हो गया तो लोगों ने कहा यार मैंने इसका वीडियो देखा था, इस बंदे ने तो कहा था हो जाएगा, मैंने इसको ट्रोल किया। लेकिन आज जब वो देखते हैं ये हकीकत में हो रहा है तो लोग फॉलो करना शुरू करते हैं। तो बस फिर वहीं से उम्मीद जागी कि चलिए पूरी सीरीज में जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग ये फर्स्ट टाइम करें, हमने 2017-2018 में 20 सिटीज में ऑलरेडी हम मीटअप्स कर चुके हैं और इस बार हम दुबई में भी कर चुके हैं और इस बार हम वापस इंडिया टू 2.0 आए हैं जिसमें हम 50 सिटीज में जाने वाले हैं। तो अभी हमने पुणे कर लिया, अहमदाबाद कर लिया या दिल्ली हो गया हमारा कल, अभी हम यहाँ से बैंगलोर जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, बहुत सारी 50 सिटीज जो मेजर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इट्स टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो बस वही कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। जी तो ये थे HMS जिन्होंने अपना मिशन बताया, जिन्होंने अपना सपना यहाँ पर बताया कि किस मिशन से यहाँ पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस मिशन में इनका हाथ थामा भारत के 2 ऐसे स्टार्टअप जिनके बारे में आपको मैं ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, लेकिन उसके बारे में डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीट्रेड, जो SMEs जो बिजनेस होते हैं उनको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, जिनको हैसल फ्री फंडिंग किस तरह से मिल सके, कैसे इनके आगे बढ़ाया जा सके, उसके बारे में बताने के लिए हमारे पीछे